जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पे पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मुख्य कारण हरियाणा से दिल्ली में जो यमुना का पानी छोड़ा जाता है, उसमें हरियाणा का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक यमुना के पानी पर है। यमुना के पानी से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चलते हैं। दिल्ली में जब यमुना आती है तो वज़ीराबाद पॉन्ड पर यमुना का पानी रोका जाता है। वहाँ से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वज़ीराबाद, चंद्रावल और ओखला को पानी प्रोवाइड किया जाता है। आज सुबह मैं खुद वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए गई तो ये साफ साफ नज़र आया कि जो नॉर्मल वाटर लेवल 374 फीट होना चाहिए, वो पानी का स्तर आज 370.2 फीट पर है। जब यमुना में पानी नहीं होगा, जब वज़ीराबाद पॉन्ड में पानी नहीं होगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाली सप्लाई के पानी पर असर पड़ेगा।